Welcome back to my class. Today we will do smallest and biggest number. Smallest and biggest number वही same concept है जैसे हमने पिछली बार कहा था big और small का. Small और big, ठीक है? छोटा number और बड़ा number. So open page number 18 of your book and let's see the number nearest to zero is the smallest. जो जीरो के पास होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं और जो नंबर जीरो से बहुत फार होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? बिगेस्ट नंबर. सो लेट्स सी द एक्टिविटी. सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर विथ रेड एंड बिगेस्ट नंबर विथ ब्लू ऑन द नंबर लाइन. नाउ ये क्या है? दिस इज अ लाइन. और लाइन पे यहाँ पे क्या लिखे हैं? 1 to 10 से नंबर, 1 to 10 तक के नंबर. तो अब हमें क्या करना है? रेड कलर से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उन्हें सर्कल करना है. जैसे 1, 2, 3, 4, 5. लेकिन ऐसे नहीं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सब तो स्मॉलेस्ट नंबर है तो सभी सर्कल, सभी को हमें रेड करना है. नहीं, जो नंबर आपके यहाँ पे दिए गए हैं इस ग्रिड में आपको उन्हीं नंबर्स को क्या करना है? क्या करना है? उन्हीं नंबर्स को, उन्हीं नंबर्स में स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर देख के ब्लू और रेड कलर फिल करना है. ये नहीं ऐसे तो सारे नंबर्स आप कलर कर दोगे, ऐसे नहीं करना है. जो नंबर आपको यहाँ पे दिए हैं बस उन्हीं नंबर्स को ही आपको करना है. जैसे 5, 3 and 8. नाउ टेल मी 5 इज बिगर और स्मॉलर कंपेरेटिव टू 3. 5 बड़ा नंबर है 3 से. 3 को अगर कंपेयर करोगे तो 5 इज द, व्हाट इज 5? व्हाट इज 5? 5 इज स्मॉलर नंबर कंपेरेटिव टू 8. तो यहां पे हम क्या करेंगे? रेड कलर. हम क्या करेंगे? Like this, और उसको हम येलो कलर से करेंगे. Like this. So 5 is smaller, red is bigger. In the same way, 10 is bigger and 7 is smaller. Okay? ओके, नाउ 4 इज स्मॉलर एंड 8 इज बिगर. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड बिगर नंबर. ओके, स्मॉलेस्ट और बिगर. स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, बिगेस्ट मतलब बड़ा. तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं? कंपैरिजन करने वाले, यानी कि हमने कंपेयर करा है कि बड़ा नंबर कौन सा और छोटा नंबर कौन सा है. होप यू हैव एंजॉयड द क्लास एंड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिगर एंड स्मॉलर नंबर. थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास एंड वील सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास विथ सम अनदर एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू सम अदर टॉपिक. बाय बाय.